वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है मेज़रमेंट। और इस टॉपिक से हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी सेशन को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टर्म है वो है डे का, जिसकी वैल्यू होती है 10^1, डैट मीन्स 10। सेकेंड है हमारा डे सी, डैट मीन्स 10^-1, डैट मीन्स 1/10। सेकेंड है हमारा हेक्टो, 10^2, डैट मीन्स 10 × 10, 100। सेकेंड है हमारा सेंटी, 10^-2, डैट मीन्स 1/100। थर्ड है हमारा किलो, 10^3, डैट मीन्स 1000। मिली, 10^-3, डैट मीन्स 1/1000। अगला है हमारा मेगा, 10^6, उसी तरह से है माइक्रो, 10^-6, डैट मीन्स जितने भी आपके ये जो पावर है उतने ही ज़ीरो उसमें लग जाएंगे। 10^6 को हम लिख सकते हैं 10 लाख। इंडियन सिस्टम में हम इसे 10 लाख लिख सकते हैं। 10 लाख डैट मीन्स कि आपका हो जाएगा 60। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप इसे इंडियन सिस्टम में देख सकते हैं। पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 और 2 के बीच, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10^2 आपने देखा 6 जो है वो 10 लाख के बराबर है। और इसी से अपोजिट हो गया 10^-6, यानी 1/10 लाख, ये हो गया आपका। गीगा, 10^9, नैनो, 10^-9, यानी कोई चीज़ 10^9 जितनी बड़ी है तो अगर उसे हम नैनो में गिनेंगे 10^-9 तो वो उतनी ही छोटी होगी। टेरा, 10^12, पिको, 10^-12। और ये सारे इस टॉपिक से एग्ज़ाम में रेलवे, ग्रुप डी, NTPC और बैंकिंग वगैरह में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। बैंकिंग, ग्रुप डी, NTPC में भी आने वाले हैं आपके, और रेलवे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में CGL, CHSL वो सब में भी आएंगे, तो आपको इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। पेटा, 10^15, फेमटो, 10^-15, एक्सा, 10^18, एटो, 10^-18, जेटा, 10^21, जेप्टो, 10^-21, योटो, 10^24, और योक्टो, 10^-24। तो फ्रेंड्स, आपको इसे लाइन से एक एक करके सबकी वैल्यूज़ के साथ याद करना है। और फिर मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे कोई वर्ड, कोई नंबर अगर डेका में है तो उसे कैसे हम सेंटी में बदल सकते हैं, अगर किलो में है तो डेसी में कैसे बदल सकते हैं, अगर मेगा में है तो माइक्रो में कैसे बदलेंगे। तो ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए इतना ही, तब तक आप वैल्यूज़ को याद करें। थैंक यू।